दोस्तों रंगबाज नाम की सीरीज अगर आपने Zee5 पर देखी होगी तो आपको पता होगा कि इसका सीजन 3 आ गया है। तो सीजन 3, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट सीजन 3 देख सकते हैं, क्योंकि सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 स्टोरी में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो पहले दूसरा देखो, बाद में पहला देखो, बाद में तीसरा देखो, पहले तीसरा देखो, बाद में पहला देखो, तो कोई भी देख सकते हैं। सीजन 3 की बात करूँ तो टोटल 6 एपिसोड है इस वेब सीरीज के और हर एक एपिसोड 30 से 40 मिनट के बीच का है। अब दोस्तों मैं आपको सबसे पहला बता दूं कि इस सीरीज में जो हम देख रहे हैं ना, जो दिखाया गया है, जो स्टोरी है, जो हम लोग देख रहे हैं, वो मतलब हमने ऑलरेडी कई बार देख लिया है, वेब सीरीज में हो, मूवीज में हो, ऑलरेडी देख लिया है सब कुछ। क्योंकि कैसे एक गैंगस्टर है, उसका कैसे क्राइम की दुनिया में एंट्री होता है, उसके बाद कैसे वो पॉलिटिक्स में घुसता है, उसके बाद कैसे उसका राइज होता है, फिर अंत में कैसे उसका डाउनफॉल आता है, तो ये सब हमने ऑलरेडी कई वेब सीरीज में, कई मूवी में देख रखा है। तो नया इस वेब सीरीज में कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, आप बोर हो रहे हैं और आपको लगता है कि भाई कुछ अगर देखने को मिलता तो अच्छा होता, तो इस वेब सीरीज़ को आप ट्राई कीजिएगा, आपका टाइम पास हो जाएगा। हाँ, आप बोर नहीं होगे, लेकिन प्रिडिक्टेबल काफ़ी है कहानी। आपको पता ही होगा कि भाई ये देखो, ये बंदा जो है वो अब गैंगस्टर की दुनिया में गया है, तो अब ये पॉलिटिक्स में जाएगा, पॉलिटिक्स में जाएगा तो फिर उसके आगे क्या होगा, इस बंदे का अंत कैसे होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सब कुछ एक सब कॉन्टेंट ऑलरेडी देख रखा है। तो प्रिडिक्ट तो आप कर ही लोगे इस चीज़ का अंत क्या होने वाला है, लेकिन आपका जो टाइम है, जो आप बोर हो रहे हैं खाली टाइम में, तो इसको आप ट्राई कीजिएगा, आपका टाइम जो है वो पास हो जाएगा। बाकी कैरेक्टर की परफॉर्मेंसेस जो है वो भी ठीक ठाक है, और कहानी तो प्रिडिक्टेबल है ही, और स्क्रीन प्ले भी अच्छा है, म्यूज़िक भी डिसेंट है, और Zee5 की ऐप पर ये वेब सीरीज़ अवेलेबल है। तो फिर आपने अगर ऑलरेडी देख ली है तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कैसी लगी, और नहीं देखी है तो मैं आपको रेकमेंड तो नहीं करता, लेकिन आपके पास फालतू का टाइम पड़ा है तो आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि ये आउटडेटेड है। इस तरह की स्टोरी हमने ऑलरेडी देख रखी है। मेरी तरफ से इस वेब सीरीज़ को 5 में से 2.5 स्टार। धन्यवाद।